नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। मेरे साथ मेरे सहयोगी अंकित इस वक्त मौजूद है। हम किलेश्वर महादेव मंदिर जो परिसर है यहां पर मौजूद है। यहां पर किस तरीके से भोलेनाथ की पहली बार जो भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, किस तरीके तैयारियां चल रही है, मैं मेरे सहयोगी कहूँ अंकित को किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही है, स्टेज बनाया जा रहा है, साथ ही प्रथम बार जो है यहाँ पर भोले बाबा की जो है भजन संध्या होगी। कई भजन संध्या हमने जो है खाटू श्याम की सुनी, लेकिन पहली बार नीमच वासी यहाँ पर भोले बाबा की भजन संध्या सुनेंगे। ऐसे में बात किया जो आयोजन करता है उनसे बात करेंगे भोलेनाथ के कि किस तरह के आयोजन करा रहे हैं, क्या प्रमुख और कौन यहाँ कलाकार आएंगे, किस तरह का ये आयोजन पहली बार हो रहा है। जी, ये महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में पहली बार नीमच में भोलेनाथ की भजन संध्या की जा रही है। इसको बहुत ही भव्य रूप दिया जा रहा है क्योंकि नीमच में पहली बार ये भजन संध्या की जा रही है, तो पब्लिक के लिए बिल्कुल नया माहौल रहेगा। पूरा उत्साह है पब्लिक में कि क्या होने वाला है, कौन से कलाकार आने वाले हैं। इसमें जीतू जी धोरा रतलाम से बहुत ही बड़े और बहुत ही महान कलाकार आने वाले हैं, और प्रतापगढ़ से नवीन जी वैष्णव, दोनों ही कलाकार भोले के ही भगत हैं और पूरा आनंद देने के लिए वो तैयार हैं। तो कल सारी पब्लिक यहाँ आएगी और बहुत भरपूर आनंद लेगी रात को 8 बजे के बाद। पब्लिक की किस तरह की व्यवस्था की जा रही है और किस तरह का यहाँ माहौल रहेगा? पब्लिक के लिए पूरे ग्राउंड में डनलप के गद्दे लगाकर उनको बैठने की व्यवस्था की जा रही है। पानी की व्यवस्था है, पोहा चाय की व्यवस्था है, पूरी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्था पब्लिक के लिए की, किसी प्रकार की कोई परेशानी पब्लिक को नहीं आए इस चीज का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। कितना उत्साह मानते हैं आपके, जैसे ही जो है यहाँ सुनाऊंगा भोले बाबा के भक्त भी बड़े माने जाते हैं, कई भक्त हैं भोले बाबा के, तो बड़े उत्साह के साथ यहाँ लोग आएंगे, तो क्या मानते हैं कितने उत्साह लोगों में? पब्लिक में तो बहुत उत्साह रहेगा क्योंकि किलेश्वर महादेव मंदिर एक ऐसी जगह है जहाँ पूरा नीमच का जुड़ाव इस परिसर से जुड़ा हुआ है। हर आदमी यहाँ पर आता है, फैमिली के साथ भी आता है, अपने दोस्तों के साथ भी आता है, और ये नीमच की एक सबसे खूबसूरत जगह है। जो यहाँ पर इस प्रोग्राम को पहली बार किया जा रहा है तो पब्लिक में उत्साह भी इससे बहुत ही ज्यादा रहेगा क्योंकि यहाँ नई जगह है, नया परिवेश है और पहली बार भोले भजन संध्या हो रही है, तो पूरा आनंद लेने के लिए पब्लिक बिल्कुल तैयार है। तो देखा आपने, पूरी आनंद लेने के लिए पब्लिक तैयार है, साथ ही किस तरह की तैयारी की जा रही है, किस तरह का आयोजन रहा, कौन यहाँ पर भजन गायक जो है यहाँ आ रहे हैं, इससे लेकर भी उन्होंने बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रथम बार ये प्रयास हो रहा है नीमच में, तो उसे लेकर जो तैयारी जोरों पे चल रही है। साथ ही कह सकते हैं तो यहाँ तैयारी आप देख सकते हैं, जो तैयारी यहाँ पर चल रही है, सारे आयोजन करता है यहाँ पर सुबह से लगे हुए हैं, और यहाँ पर जिस तरह के महाशिवरात्रि पर्व को लेकर आयोजन किया जाएगा और यहाँ पर भव्य भजन संध्या होगी। क्या कहेंगे आप, कितना उत्साह यहाँ पर है पब्लिक में? बहुत उत्साह है, भोले के भक्त बहुत है, हर कोई यहाँ से जुड़ा हुआ है और हर सबकी इच्छा है कि जो शिवरात्रि में मेला का, मगर अब नए परिसर के हिसाब से, नए गार्डन के डेलीगेशन मेला नहीं लगा पा रहे, तो एक नया उत्साह बनाया गया है। जैसे भोलेनाथ की महिला संगीत, भोलेनाथ की शादी है तो नहीं महिला संगीत है, तो कल भोले का महिला संगीत है और उसका आनंद बच्चे से लेके पूरे परिवार वाले सब लेंगे। आसपास के परिसर के जितने भी आसपास के गांव वाले वो भी संख्या आएगी और काफी आनंद लेगी। कितनी बजे से कितनी बजे तक भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा? 8 बजे चालू हो जाएगा। इसके अंदर दो कलाकार बाहर के हैं, एक रतलाम के हैं, एक प्रतापगढ़ के हैं, और एक नए उभरती कलाकार है नीमच की, जिसकी पहली बार उसको मंच पे मौका दिया जा रहा है, वो भी अपनी प्रस्तुति देगी यहाँ पे, ताकि नया कलाकार नीमच का भी उभरे। तो देखा आपने किस तरीके से यहाँ तैयारी चल रही है, कौन कलाकार यहाँ पर आएंगे, किस तरीके से आयोजन किया जाएगा, और महाशिवरात्रि पर्व पहली बार प्रथम बार जो है यहाँ पर भोले बाबा की भजन संध्या का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें माना जा रहा है कई बड़ी संख्या में भोले बाबा के भक्त यहाँ पर पहुंचेंगे। मेरे सहयोगी अंकित के साथ नवीन पाटीदार की रिपोर्ट।